बात हो गई। ओ हो, ये क्या भाई, ये तो कुछ पलटा हुआ है क्या ये? मार रहे इसको भी। चांद निकल गया पीछे से। उस पेंसिल में भी फोड़ा हो रखा था, तो उस पेंसिल को लेके पूरी क्लास में घूम रही थी, ये कौन है, कौन है ये जिसने मुझे फोड़े वाली पेंसिल दी है। और दोस्तों वेलकम टू अनदर डेली ब्लॉग। आज जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था भाई, पौधे ले आए थे, पौधे लाके लगा भी लिए थे, बट काफी टाइम लग गया था, तो जिसके कारण भाई थकान भी हो गई थी, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था भाई, रेस्ट तो मिला नहीं था। कोई बात नहीं, तो हेड में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो क्रोसिन पेन रिलीफ ले ली है, तो क्योंकि पार्टी में भी जाना जरूरी है, क्योंकि बच्ची को कपड़े भी दिला दिए थे, तो क्या भाई पार्टी में तो जाना भाई, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भाई बच्ची तो जान खा जाएगी, तो चलो भाई पार्टी में तो जाना। BS4 का बैन खत्म हो चुका है, जो दिल्ली में पोल्यूशन का था BS4 का, तो वो बैन खत्म हो गया, तो भैया अब अपनी जो बुलडोजर है वो चली जाएगी, आराम से निकल जाएगी, तो अपनी बुलडोजर में चलते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कोट को अपना उतार के कार में रख देते हैं, क्योंकि आपको पता है भैया अपने एरिया में कितना तगड़ा जो है, कितनी मेहनत करके निकालनी पड़ती है गाड़ी, तो कभी कभार तो मतलब फुल ड्रेसअप होके भी और जो है आपको कार से उतर के कोई स्कूटी कोई बाइक कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी होती है तो वो हटानी पड़ती है। ये मेरे एरिया का ही नहीं, खैर हर एरिया का होता है, दिल्ली में जितने भी लोग रह रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को भली भांति समझ सकेंगे। तो चलो आओ, ज्यादा टाइम ना लगाएं, अब चलते हैं अपनी बुलडोजर में और स्टार्ट करते हैं और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। बोलो जय श्री राम। अब एक रेड लाइट तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अब ग्रीन हो रखी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे इस टाइम पे, मतलब सेकंड रेड लाइट पे ही हम निकल पाएंगे। और डिफॉगर चला रखा है, डिफॉगर के बिना तो भाई पूरी तगड़ी वाली फॉग जम रही थी विंडशील्ड पे। अब देखो पहुंच तो है, लग तो रहा भाई पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता। होगी रेड लाइट, अब होगी अपनी सेकंड वाली ग्रीन लाइट, अब इसमें हम निकाल रहे हैं। ओ भाई आज इसके हॉर्न को पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ 16 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है, फिर भी जो है बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि इसकी आवाज ही बैठ गई हॉर्न वाले की। अब देख बजा के दिखाता हूँ मेरे को। नहीं अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, या तो बैटरी शायद चार्जिंग नहीं ले रही इसकी पूरी, या फिर क्या है, एक बार जो है ना कंपनी में चेक करवा लूंगा इसको। तो से नैना जब से मिले तो मैं इसने विकासपुरी के लिए जो मेन रास्ता दिखाया है गूगल मैप ने दिखा दिया भाई नाले के साथ साथ में जाने के लिए, तो कोई बात नहीं हम लोग नाले के साथ साथ में जा रहे हैं। अगर आपको भी इस तरीके से कभी भी जाते हुए GPS उल्टा पुल्टा रास्ता दिखा दे तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, GPS पे बस पूरा विश्वास रखो, क्योंकि ये है भाई देखो निकाल तो वो देगा ही कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं आपको धोखा नहीं देगा। हाँ खतरनाक रास्ते से जरूर निकाल सकता है, जैसे ये इतना तो खतरनाक नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो दिल्ली का एरिया है, दिल्ली में तो ट्रैफिक चलता ही रहता है पूरी रात भर 2400 घंटे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चांद निकल गया पीछे से। भाई पीछे मेरी गुड़िया बैठी हुई है और वो एकदम से खड़ी हो जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे कि चांद निकला है बादलों में से, और जब वो बैठ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि चांद वापस बादलों में छुप गया। दोस्तों 25 दिसंबर पास में आ रहा है और 25 दिसंबर से पहले हर स्कूल में सेलिब्रेशन होती है, जहां पे हर बच्चे को एक कहा जाता है कि आप लोग गिफ्ट लाओ और गिफ्ट एक्सचेंज करके एक बच्चे का दूसरे बच्चे को दिया जाता है, और पता नहीं होता कि भाई कौन से बच्चे का किस बच्चे को मिलेगा और नाम वगैरह कुछ ऐसे डिस्क्लोज नहीं होता है उसमें। तो एक ही किस्सा हमारे स्कूल में भी ऐसा हो गया था कि हम लोग जैसे कि लेके जाते थे, तो हमारे टाइम पे कॉमन ये होता था कि यार चलो स्केच पेन ले जाते हैं या कुछ भी ठीक ठाक सा 20-30 रुपए तक का ले जाओ भाई सामान। तो एक बार एक लड़की को मिल गया था एक पेंसिल, मिली सिर्फ और सिर्फ एक पेंसिल,
और वो लड़की जो है और उस पेंसिल में भी फोड़ा हो रखा था, तो उस पेंसिल को लेके पूरी क्लास में घूम रही थी, ये कौन है ये जिसने मुझे फोड़े वाली पेंसिल दी है। और भाई कसम से उस लड़के का या उस लड़की का जिसने भी वो फोड़े वाली पेंसिल दी थी भाई पता नहीं चला, क्योंकि जो भी था वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसको पता था अगर वो बताएगा कि किसने वो फोड़े वाली पेंसिल दिया भाई तगड़ी वाली मार पड़ने वाली है, तगड़ी वाली। अब हौले हौले करते करते जीपीएस ने अपना काम जरूर करना होता है, रहा तो 6 मिनट का रास्ता गया 2.3 किलोमीटर, बट देख लो रास्ता कितना सुनसान रास्ते पे ले आया है। बट कोई बात नहीं, ये वाला रास्ता ना एक्चुअली मुझे पता था कि सुनसान रास्ते पे ले जाएगा, क्योंकि इस रास्ते पे ना एक बार और पार्टी में जा चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अपना पार्टी में पहुंचते हैं फटाफट। इस टाइम पे मैंने भाई गाड़ी की स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं कर रखी है, तो फैमिली वगैरह जब भी होती है आपके सामने नॉर्मल स्पीड मेंटेन करके रखो, किसी चीज के लिए भी आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या हो रहा भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो गया भाई, क्या बात हो गई। ओ ये क्या भाई, ये तो कुछ पलटा हुआ है, क्या ये ऑटो पलटा हुआ है, ऑटो पलटा हुआ है तो ये रहा विक्रम ऑटो पलट गया भाई, ये बेचारा। प्रॉब्लम ये है जब उस ऑटो को प्रॉब्लम हो रही है निकालने में, तो देखो अपनी गाड़ी निकलती है नहीं निकलती, सामान भरा हुआ है ना तभी तो उसको उठा नहीं पा रहे हैं, पहले उसको अनलोड करें। चलो मैं कैमरे को नीचे रखता हूँ फिर गाड़ी घुमाता हूँ भाई। ये तो लड़ाई झगड़ा हो गया भाई, लड़ाई झगड़ा हो गया। ओहो मार रहे इसको भी टेम्पो वाले को। भाई भी दोस्तों आपने देखा कैसे लोग उसको मिलके, मेरे ख्याल से वो ऑटो वाला ही था जिसको कुटाई हो रही थी, बट अब क्या कर सकते हैं, अब पता नहीं भाई। देखो हमें तो पता नहीं, हम तो बाद में आए थे जिस टाइम पे सब ऑटो ऑटो गिरा हुआ था, तो अब मुझे नहीं पता भाई किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। तो मैं सोचा भाई फैमिली साथ में है तो फोकस ऑन पार्टी। आगे भाई वापस, भाई साहब ओपन में पार्टी थी, इतनी ज्यादा ठंड मतलब हालत खराब होने लग रही थी, चीख वीख भी आ गई काफी ना, अभी भी अंदर ठंड भरसी गई है जैसे, आती एक गिलास गर्म पानी पिया। भाई साहब बहुत तगड़ी ठंड थी भाई, और पता नहीं यार आज क्या कैसा दिन है भाई। पहले तो वो ऑटो वाले को पीट रहा था बंदा, मिला ऑटो वाला ड्रंक ही होगा नेचुरल सी बात है, और फिर उसके बाद में और दूसरा एक होंडा सिटी दिखी, होंडा सिटी वाले ने स्कूटी वाले को हिट करा, स्कूटी वाला गिर गया, होंडा सिटी वाले ने स्कूटी वाले को उठा दिया, बाद में देखा कुछ टूटा गिरा हुआ है कुछ, तो देखा तो मैंने कहा यार स्कूटी के कुछ गिरा होगा, तो बट होंडा सिटी का फ्रंट का बम्पर पूरा का पूरा उतर गया था और एक तरफ से तो टूट के भी गिर गया था। चलो भाई ठीक है, जैसे भी बिल्ड क्वालिटी आजकल जो भी कंपनी कार्स में देती है तो देती है। चलो भाई अब बहुत थक गए, अब रेस्ट करते हैं, आप लोग भी रेस्ट करो, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, नए दिन के साथ में, नए उम्मीदों के साथ में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूर याद रखें, कमेंट करें शेयर करें लाइक करें। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।